गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओटी स्टडी पॉइंट। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे रैखिक तथा द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस को। जो भी आपके हरियत पब्लिकेशन बुक में रैखिक तथा द्विघात समीकरण से क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं, इसके पहले ऑलरेडी मैंने रैखिक तथा द्विघात समीकरण का एक क्लास ले चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट के साथ साथ टोटल फार्मूला को कवर करवाया था। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जो आपका चैप्टर है रैखिक तथा द्विघात समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये आपका हरियत पब्लिकेशन की बुक में, इसमें आपका टोटल क्वेश्चन किसी ना किसी साल पूछा गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर वन आपको इस प्रकार से दे रखा है, बोला है समीकरण समीकरण से डिवाइड हो जाए, यानी कि ये
करने पर इस पूरी समीकरण का मान 0 के बराबर हो जाए तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वही आपका पहला मूल होगा। तो ध्यान से समझिएगा वैल्यू टू मेथड को। x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। यदि x बराबर 1 रखने पर यह समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा, इस समीकरण का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो पहला मूल हमारा 1 निकल जाएगा। तो x की जगह पर 1 रखो तो p माइनस का q हो जाएगा और यहां पर आपका p q माइनस का r हो जाएगा और यहां पर आपका r माइनस का p बराबर हो जाएगा। मैंने x की जगह पर 1 रख दिया। अब देखना ध्यान से, अब देखो प्लस का p और माइनस का भी, प्लस का r माइनस का प्लस का q माइनस का q, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर यह हमारा समीकरण सेटिस्फाई हो जा रहा है। इस तरीके से आपका पहला मूल जो अल्फा की वैल्यू निकल गई वो तो आपका निकल गया। अब बात करते हैं दूसरा मूल कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि मूलों का गुणनफल जो अल्फा * बीटा बराबर होता है अचर पद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणा, जो आपका मूलों का गुणनफल अल्फा * बीटा बराबर होता है अचर पद डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का गुणा, तो अचर पद आपका है r - b बटे x स्क्वायर का गुणांक आपका है p माइनस का q। अब आपको अल्फा की वैल्यू पता है 1, तो 1 गुणे बीटा बराबर आपको मिलेगा r माइनस का p बटे का p माइनस q। तो यहां से आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी r माइनस का p बटे का p माइनस का q, यानी कि पहला मूल आपने निकाला 1 और दूसरा मूल आपने निकाला r माइनस p डिवाइडेड बाय p माइनस q। अब देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, तो आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि आपका पहला मूल 1 और दूसरा मूल आपका r - p डिवाइडेड बाय p माइनस का q होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस प्रकार से दे रखा है, समीकरण रूट ओवर 3x स्क्वायर, रूट ओवर 3x स्क्वायर उसके बाद से प्लस का 11x और प्लस का 6 कॉलम के अंदर 3 बराबर आपको 0 दे रखा है। इसका आपको मूल ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले करते क्या है, इसको मध्य पद गुणनफल से सॉल्व करते हैं। तो 6 कॉलम के 3 का गुणा आप कॉलम में 3 में कराइए, 6 कॉलम में 3 का गुणा आप कॉलम में 3 में कराइए तो 6 गुणे 3 यानी आपको मिलेगा 18। अब आपको 18 का ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका 11 आ जाए। तो 9 * 18 होता है और 9 में आप 2 जोड़ेंगे तो आपको 11 भी मिल जाएगा। तो कर लेते हैं, कॉलम में 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस का 6 कॉलम के अंदर 3 बराबर है। इन दोनों व्यंजक में आपका क्या कॉमन है, इन दोनों व्यंजक से आप कॉलम में 3 कॉमन ले लो, कॉलम में 3 और x भी कॉमन, कॉलम 3x कॉमन ले लिया तो यहां से आपको मिलेगा x प्लस का, यहां से जब आप कॉलम में 3 कॉमन लोगे तो 3 कॉलम के अंदर 3 मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपका 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लोगे तो मिलेगा x प्लस का 3 कॉलम के अंदर 3 बराबर 0। अब देखिएगा यह ब्रैकेट या ब्रैकेट से हो गया, इसको एक बार लिख लेते हैं, तो x प्लस का 3 कॉलम के अंदर 3 और एक ब्रैकेट में कॉलम में 3 x प्लस 2 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब देखिए x की दो वैल्यू आएगी, एक आपका इससे x प्लस का 3 कॉलम के अंदर 3 बराबर 0 पर और दूसरी वैल्यू आपका आएगा कॉलम में 3 x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 3 कॉलम के अंदर 3 मिलेगा और जब यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 2 बटे कॉलम के अंदर 3 मिलेगा। इस तरीके से आपने इस समीकरण के मूल निकाल लिए, माइनस का 3 कॉलम में 3 और माइनस का 2 बटे कॉलम में 3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसा क्वेश्चन मैंने चैप्टर नंबर 1 को जब पढ़ाया था तो सॉल्व करवाया था, यानी कि चैप्टर नंबर 1 वर्गमूल तथा घनमूल जब आपको पढ़ाया था तो मैंने
क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा। जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरीके से पढ़ा होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 को मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। तो ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको यस की वैल्यू दे रखा है रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2, उसके बाद से प्लस डॉट इनफिनिटी की रूट। आपको यस का मान निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहां पर आपको 2 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 1 गुणे 2 के रूप में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह होता है कि आपको उसका ऐसे गुणनखंड करना है कि दोनों में 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो। तो ए मैंने 2 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया 1 गुणे 2 के रूप में। जैसे आपसे पूछा है कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो आप कैसे करेंगे? 2 गुणे 3 के रूप में। यानी कि आपको ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना है कि दोनों में 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो। तो मैंने 2 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब डियर स्टूडेंट आपके क्वेश्चन में प्लस है, यदि क्वेश्चन में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर तो आपका 2 हो जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन में प्लस की जगह पर माइनस दिया होगा तो क्या होगा? यदि प्लस की जगह पर माइनस दिया होगा तो छोटी वाली संख्या आंसर होती, यानी 1 आंसर होता। तो ध्यान में रखिएगा करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। यदि बीच में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगा, यदि बीच में माइनस है तो छोटी वाली संख्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला है व्यंजक x2 + 2x + c का मान धनात्मक होगा। x2 + 2bx प्लस सी का मान धनात्मक होगा किस कंडीशन? तो इसका एक ही कंडीशन बनता है कि जो आपका बी स्क्वायर का मान हमेशा सी से छोटा होना चाहिए। बी स्क्वायर का मान हमेशा सी से छोटा होगा तभी धनात्मक होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। अनंत अनेक हल का कंडीशन लगाना है और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। आपको युगपत समीकरण दे रखा है 2x + b1y + c1 = 0 और दूसरा समीकरण आपको दे रखा है x + का b2y + का c2 = 0। तो आपको अनंत अनेक हल होंगे, तो आपको कंडीशन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट अनंत अनेक हल का जो कंडीशन होता है वो आपका होता है a1 / a2 = b1 / b2 बराबर आपका होता है c1 / c2। यदि अभी तक आपने बेसिक कांसेप्ट और फार्मूला का इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टोटल फार्मूले पर ही टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अनंत अनेक हल का कंडीशन a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 होता है, और जो आपका मूल समीकरण होता है वो आपका a1x + b1y + का c1 = 0 और दूसरा आपका होता है a2x + का b2y + का c2 = 0। अब आप सारी वैल्यू रख दीजिए तो a1 का मान कितना है? a1 का मान 2 है, x का गुणांक है, a1 का मान 2 है। a2 का मान कितना है? x का गुणांक 1 है, तो a1 2। और b1 का मान कितना है? b1 का मान आपका b1 ही है / b2 का मान कितना है? b2 ही है बराबर c1 / c2। तो c1 का मान आपका c1 ही है और c2 का मान आपका c2 ही है। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को लीजिए तो 2/1 = b1 / b2। तो यहां से आपको मिलेगा
b1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको b1 बराबर 2b2 मिल जाएगा। तो ये तो आपका पहला संबंध है। अब करते क्या है डियर स्टूडेंट, अब आपको पहला और तीसरा लेकर के सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिएगा। यानी 2/1 बराबर c1/c2, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, पहले और तीसरे को भी तो आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यहां से आपको c1 बराबर मिलेगा 2c2। इस तरीके से आपका b1 बराबर 2b2 और c1 बराबर 2c2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फार्मूला बताना चाहिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कंडीशन पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको x²-px + 8p-15 के दोनों मूल समान हो तो p की वैल्यू ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको p का मान निकालना है। आपको समीकरण दे रखा है x²-px और +8p-15 = 0। तो आपको p की वैल्यू ज्ञात करना है ये दोनों मूल समान। तो दोनों मूल समान होने का जो कंडीशन होता है वो आपका b²/4ac के बराबर होता है, जब किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान। तो b की वैल्यू क्या है, x का गुणांक यानी माइनस का p का स्क्वायर बराबर 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है ये पूरा अचर पद, यानी कि c की वैल्यू आपका है 8p-15। तो सॉल्व करो तो यहां से आपका p² मिलेगा 4 8p-15। यहां से आपको p² 8 * 32p - 7 यानी कि p² - 32p + 60 = 0। अब आपको 60 का ऐसे फैक्टर करना है कि 32 आए तो आपका 30 × 60 होता है, और 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32 भी हो जाएगा। तो p² - 30p + 2p + 60 = 0। तो यहां से आपको मिलेगा p² - 30p एग्रीगेट में इस माइनस से गुणा कराएंगे तो ये तो माइनस होगा और -2p + 60 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से p कॉमन ले लो तो p - 30 मिलेगा, इन दोनों में आप माइनस का 2 कॉमन ले लो तो p - 30 मिलेगा बराबर 0। अब देखिएगा यहां से आप p की वैल्यू एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा दोनों ब्रैकेट आपका सेम हो गया। तो p - 30 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आपका होगा p - 2 = 0। तो यहां से p की वैल्यू निकालोगे तो 30 मिलेगा और यहां से आप p की वैल्यू निकालोगे तो 2 मिलेगा, यानी p के दो मान आएंगे, एक 2 और दूसरा 30। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो समीकरण दे रखा है, उसका आपको हल बताना है। तो पहला जो समीकरण दे रखा है आपको दे रखा है x + y = 13, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो आपको दे रखा है 2x + 3y = आपको दे रखा है 32। इसको आप मान लो समीकरण 1 और इसको आप मान लो समीकरण 2। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, आपको x और y की वैल्यू निकालना है। तो करते क्या है, x के गुणांक को बराबर करते हैं, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करो तो 2x + 2y = आपको मिलेगा 26। इसको हम मान लो समीकरण नंबर 3।
अब समीकरण दो और तीन को हल करके y के लिए निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण दो माइनस तीन से, यानी समीकरण दो से तीन घटाएंगे तो दो आपका है 2x प्लस का 3y बराबर 32 और तीन आपका है 2x प्लस का 2y बराबर है आपका 26। घटाओ तो ये तो कटेगा, यहाँ पर 3y में से 2y घटाओगे तो y मिलेगा, यहाँ पर 32 में से 26 घटाओ तो मिलेगा आपको 6। तो इस तरीके से y की वैल्यू तो आपको मिल गया 6। अब y का मान समीकरण एक या दो में रख के x का मान निकालो, तो y का मान समीकरण एक में रखो तो आपको मिलेगा x प्लस का 6 बराबर 13, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7। तो इस तरीके से x बराबर 7 निकाल लिया हमने और y बराबर 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप ध्यान से समझिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपको अद्वितीय हल का कंडीशन लगाना है, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 को समझिएगा। बोला है यदि समीकरण निकाय kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल है, तो आपको कंडीशन बताना है कि क्या कंडीशन है, तो ध्यान से समझिएगा। आपको दे रखा है kx प्लस का 2y बराबर, आपको दे रखा है kx प्लस का 2y बराबर 5 दे रखा है, और दूसरा समीकरण 3x प्लस y बराबर है 3x प्लस का y बराबर है। बोला है इसका एक अद्वितीय हल है, तो आपको कंडीशन बताना है, तो ध्यान से समझिएगा। अद्वितीय हल होने का जो कंडीशन होता है वो आपका a1 बटे का a2 बराबर आपका होता है b1 बटे का b2, ये आपका अद्वितीय हल होने का कंडीशन होता है। अब देखिएगा समीकरण a इसको मान लो और समीकरण 2 आप इसको मान लो, इसको आप समीकरण से कंपेयर कराओ, यानी आपका जो मूल समीकरण होता है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 और इसके लिए आपका होता है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। अब सारी वैल्यू निकाल लीजिए, तो a1 का मान क्या होगा x का गुणांक, तो a1 का मान तो आपको मिलेगा कि a2 का मान क्या होगा x का गुणांक mt बराबर b1 बटे b2, तो b1 का मान कितना है y का गुणांक 2 है, अब b2 का मान कितना है y का गुणांक 1 है, तो यहां से आप k की वैल्यू निकालोगे तो 6 आएगा। इस तरीके से जो k का मान आएगा वो 6 है, k बराबर 6 है, जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 को आपको बलजुर्बन से हल करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और बलजुर्बन का फार्मूला भी आपके सामने है, सारी वैल्यू पुट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको y की वैल्यू निकालना है x में प्राप्त समीकरण, यानी y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 को समझिएगा। आपको दे रखा है 6x माइनस का 5y बराबर आपको दे रखा है 11 है, और दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 2x प्लस का y बराबर आपको दे रखा है 70 है। तो विलोपन विधि होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी विलोपन विधि होती है उसमें करना क्या होता है, आपको x अथवा y किसी के गुणांक को बराबर करना होता है, इसमें यहाँ पर 6x है और यहाँ पर 2x है और यहाँ पर माइनस 5y है यहाँ पर y है, यानी कि इसको यदि मैं मान लूँ a और इसको मैं मान लूँ 2, तो y के गुणांक को बराबर करते हैं, तो y के गुणांक को आप बराबर करेंगे, तो y के गुणांक को बराबर करते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं समीकरण 2 गुणे 5 से, तो समीकरण 2 में 5 से गुणा करा तो मिलेगा आपको 10x प्लस का 5y
बराबर 17 85 इसको आप मान लो समीकरणों पर दी। अब समीकरण एक और तीन को हल करके आप सॉल्व कर सकते हो, तो लिखेंगे समीकरण तीन प्लस एक से, यानी समीकरण तीन और एक को जोड़ना है, तो समीकरण तीन आपका है 10x प्लस का 5y बराबर 85 और समीकरण एक आपका है 6x माइनस का 5y बराबर आपका ही 11। तो जोड़ दो 10 6 16x होगा, ये आपका कैंसिल आउट होगा, बराबर आपका 96 हो जाएगा, यानी 16x बराबर 96 आएगा। इस तरीके से विलोपन विधि में जो संबंध आएगा 16x बराबर 96, देखिए कौन से ऑप्शन ने किया है 16x बराबर 96, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 16x बराबर 96। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया रैखिक तथा द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उसको आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्यारे दोस्तों आज की क्लास पे इतना करते हैं, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।